गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग सित्रा में आप सभी का स्वागत है। आज संबलपुर के एक मंदिर में आज जो 100 साल पुराना मंदिर है, गणेश भगवान का मंदिर, आपको दिखाने वाले हैं, तो चलो लेके चलते हैं अंदर। दोस्तों आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा, ये सोच रहे होंगे कि यह मंदिर अभी कुछ सालों पहले ही बनाया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यह मंदिर बहुत पुरानी, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी अंग्रेज ज़माने के टाइम का यह मंदिर है, और यह मंदिर प्राचीन प्राकृतिक मंदिर है जो गणेश भगवान। सबसे पहले इस पेपर को देखिए जो 7 सितंबर 2019 का पेपर है, इस पेपर में आपको इस मंदिर के बारे में, जो संबलपुर में स्थित है यह मंदिर, सभी जानकारी इस पेपर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, यह कांकेर भास्कर पेपर। और सबसे पहले इस मंदिर का मैं आपको व्यू दिखाऊं कि यह मंदिर जो तल घर में गणेश भगवान की प्रतिमा है, इसका बहुत ही लंबा कहानी है। मैं आपको कुछ वर्ड के माध्यम, कुछ शब्द के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके ऊपर में तीन और प्रतिमाएं हैं, जो एक शिवलिंग है भोलेनाथ जी का, भगवान शिव का, और उसके जस्ट बगल में है बजरंग बली जी का मंदिर, और एक मंदिर है माता रानी जी का। और सबसे पहले इस मंदिर की कहानी की बात करें तो गढ़बासला के तालाब से 7 किलोमीटर दूर जहाँ 10वीं बैलगाड़ी टूटी, वहीं स्थापित किया गया यह प्रतिमा, गणेश भगवान की मूर्ति। और ऐसा कहा जाता है, गांव वालों का मानना यह है कि ऐसा कहा जाता है गांव वालों के द्वारा कि यह 10वीं बैलगाड़ी जहां टूटी वहीं स्थापित किया गया। और यह यहां तक इस मंदिर के सलाह के लिए शंकराचार्य स्वरूपानंद को बुलाया गया, उन्होंने यह सलाह दिया कि यह इस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही गलत है, बिल्कुल भी इस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए, यहीं इसकी पूजा कर स्थापना कर पूजा किया जाए। तो यहीं स्थापना किया गया और धीरे धीरे दूर दूर से श्रद्धालु आते गए। और यह इस मंदिर का कहानी यह है कि यह सबसे बड़ी बात यह, इस मंदिर के नाम पर 60 एकड़ खेत है जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए फसल करने के लिए दिया जाता है। और इस मंदिर की और भी लंबी लंबी कहानियां हैं जो आपको यहां आकर भी महाराज को स्वयं पूछोगे तो और पता लग जाएगा। मैं यहां आया था अपने दीदी जीजू के साथ, इसलिए मैं आपको अभी ये मंदिर दिखा रहा हूं, जो मुझे यहां आने के बाद पता लगा कि यहां एक ऐसा मंदिर है जो बहुत ही प्रचलित है, गणेश भगवान जी का मंदिर, और यह तलघर में ही स्थित है यह मंदिर। इसका भी लंबा कहानी है, आपको इस वीडियो को कुछ नॉलेज प्राप्त ज़रूर होगा, लेकिन आपको एकदम अंदर तक कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए इस मंदिर का कहानी इतना ही है। यहाँ तक आसपास के क्षेत्रों में भानु प्रतापपुर से 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर लगभग है संबलपुर में यह स्थित है यह मंदिर। बाहर से देखकर आपको नहीं पता चलेगा कि यह मंदिर बहुत ही पुराना है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक आप बेल आइकन करना प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों तक यह वीडियो पहुँचे और लोग दूर दूर से यहाँ श्रद्धालुगण यहाँ पहुँचे, मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय। जय गणपति पप्पा, जय महादेव।